हेलो। हाय सर, मैं काजल बोल रही हूँ, जयपुर ऑफिस के अकाउंट डिपार्टमेंट से। आपसे बात हो सकती है क्या? अभी? हाँ सर, एक्चुअली थोड़ा अर्जेंट काम है। एक सेकंड। हाँ बोलो। सर, ऑफिस के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट पे आपकी साइन की जरूरत है। नहीं, मैं जयपुर नहीं आ सकता हूँ। नहीं, सर आपको जयपुर आने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी जयपुर से मुंबई आ चुकी हूँ। जयपुर से मुंबई आई हो? हाँ सर, 10 मिनट में आपके घर भी पहुँच जाऊंगी। 10 मिनट में घर भी पहुँचाऊंगी? यस सर, क्योंकि साइन लेके मुझे तुरंत निकलना है। इतना अर्जेंट है क्या? यस सर, आपके साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स मुझे जयपुर के रजिस्टर्ड ऑफिस में सबमिट करने हैं, और ऑफिस 6 बजे तक बंद हो जाता है। सर प्लीज बी अवेलेबल फॉर मी। हाँ ठीक है, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आ जाओ। आज का दिन ही समझ में नहीं आ रहा, इसको भी साइन लेने आज ही आना था। डैड के पास ऑफिस भेज भी नहीं सकता हूँ, मुझे ही जाना पड़ेगा। अभी तो लोहार को आरी से काटना पड़ेगा। इतनी सी बात के लिए लोहार को आरी से क्यों काट रहे हो भाभी? उर्मिला, ताले को। अच्छा अच्छा, ताले को बहुत अच्छा आइडिया है भाभी, लेकिन बहुत बुरा भी आइडिया है। लोहार कैसे आएगा अंदर? ताला अंदर से लगा है ना, और अब ना कोई अंदर से बाहर जा सकता है, ना बाहर से अंदर आ सकता है। अब भी भाभी लोहार। ओह माय गॉड, अब हम क्या करेंगे? वही तो मैं सोच रही हूँ, क्या करेंगे। जय। हाँ जय, क्या हुआ? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, प्लीज यहाँ आओ ना। अभी अमीर घर जाना है, अगर यहाँ जय ने फिर काम में फंसा दिया तो उस बेचारी की फ्लाइट मिस हो जाएगी। अरे जय, वो बस में 2 मिनट में आया, एक बहुत ही अर्जेंट फोन आने वाला है, वो खत्म करके 10 मिनट में आ जाऊंगा। अरे इतना क्या अर्जेंट, यहाँ पे भी तो अर्जेंट काम है ना, यहाँ आओ प्लीज। नहीं वो मेरा दोस्त है ना, उसने एक सेठ जी से मेरी नौकरी की बात छिड़ी है, तो वो सेठ जी का फोन आने वाला है, वो मुझे पूछने वाले मुझे क्या क्या काम आता है, और वो हिसाब से ना वो मुझे नौकरी देंगे, तो बस वो एक सेकंड, ये देखो आ गया, फोन आ गया। हेलो। हाँ जी सेठ जी। हाँ जी, बोलिए जी। हाँ गाड़ी का काम ना? हाँ, आता है, हाँ मैं कर सकता हूँ। हाँ जी, क्या क्या करना पड़ता है? हाँ अब मतलब क्या क्या करना पड़ता है भाई को, कितना कुछ आता है ना भाई को, तो क्यों ना ताला भी हम भाई से ही खुलवाए, अगर नहीं खुलेगा तो उन्हीं से कटवा देंगे, लेकिन उसके लिए आरी चाहिए होगी ना, तो हम आरी ढूंढते हैं। ऊपर के कमरे में ढूंढते हैं। चलो 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 भाभी। अरे दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद मुझे पता चला है कि मेरा एक जुड़वा भाई है। उस जुड़वे भाई के साथ मेरा मिलाप होगा, भरत मिलाप होगा मेरा। आपका प्लान क्या है सर? अरे प्लान बहुत सिंपल है, सुना? अरे अंकल क्या बोल रहे, सुना क्या? सुना है, तुम लोगों ने सुना, प्लान बहुत सिंपल है। क्या है कि सबसे पहले जाके मैं अपने भाई से मिलूंगा, गले लगूंगा, दोनों भाइयों के बीच में प्यार बढ़ेगा। क्या है कि मेरे भाई का एक पुराना बड़ा बंगला है, और वो भी एक आलीशान जगह पे है। पर सर वो आपको अपना घर क्यों देंगे? देंगे नहीं, हम हथियार लेंगे। सबसे पहले मैं अपने भाई को जाके मिलूंगा, उसे गले लगूंगा, फिर प्यार बढ़ाऊंगा, और फिर मौका पाते ही मारूंगा चौका। उसकी जगह अपनी हो जाएगी, और फिर वहां पर एक आलीशान मॉल बनाऊंगा। घर की जगह आलीशान मॉल? हाँ भाई, वहाँ जगह भी बहुत है, तो आजू बाजू की सारी जगह मैं हड़प लूंगा, क्योंकि मॉल के बाजू में एक पार्किंग एरिया भी तो चाहिए ना। अब देखो आएगा मजा ही मजा। अरे वो लोखंडे जी है ना, लोखंडे जी, फेटे वाला लोखंडे, वो मेरे को बहुत अच्छा इंसान समझता है, मैं उसको अपनी जाल में फंसा कर फिर देखो क्या क्या काम करवाता हूँ। सर लेकिन वो तो गरीब है, उससे हमें क्या फायदा?
अरे उसकी सरकार में बहुत पहचान है। उसकी पहचान से मैं 10-15 गांव गोद ले लूंगा। सर बाबा क्या बात है सर, फिर उन गरीबों को वहां से भगा के बहुत बड़ा आलीशान एयरपोर्ट बनाऊंगा जी। रणवीर चोपड़ा, ये पूरा यकीन हो चुका है कि अमीर आदमी कभी अच्छा इंसान नहीं बन सकता। पता है ना, तो फिर मेरे लिए ना लोखंडे जी अमीर होना इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, हर आदमी अच्छा हो सकता है लेकिन हर अच्छा आदमी अमीर नहीं हो सकता। रिमटन जी सही कह रहे थे कि तुम एक घटिया इंसान हो, लेकिन एक बात याद रखना, इसके बाद मैं तुम्हें कोई बुरा काम करने नहीं दूंगा। तुम मेरा इस्तेमाल करके बुरा काम करना चाहते थे ना? ठीक है, आप नहीं देंगे तो फिर और कोई देगा। मैं किसी और गरीब को पकड़ लूंगा और अपना काम करवा लूंगा। आप जैसे पागल तो बहुत है इस दुनिया में लोखंडे जी, आप मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे। अब इससे पहले कि मैं आपको यहां से धक्के मार के बाहर निकालूं, आप यहां से निकल जाइए। गेट आउट ऑफ माय कैबिन, गेट आउट। जा रहा हूं, घटिया इंसान के सामने खड़े रहने की इच्छा भी नहीं है मेरी। चल सुधाकर, चल चल। क्या बात है अंकल, काम हो गया, काम हो गया। क्या भड़के लोखंडे जी। काम तो हो गया बेटा, लेकिन बड़ा मुश्किल काम था ये। एक प्रॉब्लम और भी खड़ी है बेटा। अब क्या हुआ अंकल? विशाल, विशाल जो है वो लोखंडे जी का चेला है और वो हमारी ऑफिस में काम करता है। उसे कहीं और नौकरी दिलानी पड़ेगी, आखिर उसके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए ना। क्या बात अंकल, यू आर सो स्वीट। हेलो काजल। यस सर। हाँ कहाँ हो? सर दरवाजे के बाहर ही खड़ी हूँ। हाँ तो मैं दरवाजे के अंदर हूँ। हाँ तो सर दरवाजा खोलिए ना। अरे दरवाजा खुला है। सर मैं अमीर घर के दरवाजे के बाहर नहीं, गरीब घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हूँ। क्या तुम्हें गरीब घर के बारे में कैसे पता चला? सर दीपक सर ने मुझे बताया कि जब से आपकी शादी हुई है तब से आप अमीर घर में कम और गरीब घर में ज्यादा रहते हो, इसलिए वक्त बचाने के लिए मैं डायरेक्ट गरीब घर के सामने ही आ गई। और मेरी फ्लाइट भी है ना सर, मुझे जल्दी जाना है ना। ये दीपक ना हर जगह मेरा काम है ना चौपट करता है। जयपुर ऑफिस के सभी लोगों को पता है गरीब घर के बारे में? हाँ सर, पर आप टेंशन मत लीजिए, जया मैम को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं गरीब कपड़ों में ही आई। अरे तुम गरीब कपड़ों में आए हो, थैंक यू वेरी मच, लेकिन अगर जया ने डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए तो फिर क्या होगा? वो तो पता नहीं। एग्जैक्टली, एक काम करो तुम अमीर घर पे आ जाओ। लेकिन सर अभी तो मैंने टैक्सी भी छोड़ दी है, अब वापस घूम के आने में टाइम लगेगा। सर आप ही आ जाइए ना प्लीज, वैसे भी अंदर से तो शॉर्टकट है ही ना। तुम्हें दीपक ने इसके बारे में बता दिया? हाँ सर प्लीज जल्दी आइए ना, बस मैं बेल ही बजाने जा रही हूँ। बेल मत बजाना, बेल मत बजाना। तुम्हें दीपक ने ये नहीं बताया कि अगर तुमने बेल बजाया और अगर जाया ना दरवाजा खोला, वो तुम्हें इतने सवाल पूछेगी तुम पकड़ी जाओगी। नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं बताया। तो बस एग्जैक्टली, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, तुम वहीं पर रुकना, मैं घूम के वहाँ पर पहुँचता हूँ। ओके ठीक है सर, लेकिन जरा जल्दी आना, मुझे मेरी फ्लाइट पकड़नी है, याद है ना? यस माय बॉस, मैं आ रहा हूँ। बेल मत बजाना। जिंदगी में पहली बार इंसान को परखने में मैंने गलती कर दी। सुधाकर ऐसे कैसे किया मैंने? क्योंकि काका आप है ना दिल की सुनते हो, मेरी नहीं। क्या मतलब दिमाग की नहीं सुनते आप? दिमाग से काम लेना चाहिए। हाँ काका एक बात कहूँ? काका दिल से या दिमाग से? दिमाग से। हाँ तो फिर बोलो। काका रुको, काका मुझे अभी भी शक है, प्रेमचंद जी और परमवीर जी दो अलग अलग इंसान नहीं है,
एक ही है। अभी तक तुम्हारी सुई उधर ही अटकी हुई है। क्योंकि घटनाएं कुछ ऐसी घटी है ना काका, अब खुद सोचो, आपने या मैंने कभी भी प्रेमचंद जी और परमवीर जी को एक साथ देखा है? नहीं। उस दिन आप इधर आए थे और मैं प्रेमचंद जी के साथ घर में था, लेकिन उस दिन भी दाई माँ और उर्मिला बहन ने मुझे वो मेहरा साहब की कहानी सुना के डरा दिया और मैं वहाँ से भाग के प्रेमचंद जी को छोड़ के आपके पास आ गया। अरे मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, प्रेमचंद जी हमारे साथ ऐसे नहीं कर सकते। वो बेचारे बिस्तर पर पड़े हुए हैं, खड़े भी नहीं रह सकते, मालूम है? हाँ वही तो काका, वो खड़े नहीं हो पा रहे, लेकिन आज ऑफिस में जब परमवीर जी हमारे साथ बात कर रहे थे तो वो भी तो कहाँ खड़े हुए थे, वो भी तो बैठे ही थे ना। काका सोचो मत, अभी भी आप दिल से ही काम ले रहे हो, एक बार दिमाग से काम लो, एक बार हम परमवीर जी को वापस मिलते और देखते वो खड़े होते कि नहीं। सही कह रहा है, आखिरी बार कर ही देते हैं, चलो। साहब। हाँ गोपाल। ठीक है, समझ गया। वो लोग वापस आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं अंकल, वो लोग वापस क्यों आ रहे हैं? वो मुझे खड़ा हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि मैं नकली टांग पे खड़ा हूं, लेकिन आज ये परमवीर चोपड़ा अपने पैरों पे खड़ा होकर दिखाएगा, दो कदम चल कर भी दिखाएगा। नहीं अंकल, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपको पता है कितना नुकसान होगा आपको। नहीं अंकल, अगर आप ऐसा करेंगे ना तो मैं जय को फोन कर दूंगा। नहीं, तू किसी को फोन नहीं करेगा, तुझे जय की दोस्ती की कसम। काजल। यस सर। अरे इधर। सर किधर? पीछे। पीछे। सर कूदो। सर मैं वहां से आती। अरे कूदो। आ जाओ, बैठो। सर इधर नहीं, इधर बैठो काजल। जल्दी लाओ। तुम एक काम करो, वहां जाकर ध्यान रखो, जाओ। सर ध्यान किस पे रखना है? काजल, लोखंडे जी और सुधाकर इनके फोटोग्राफ देखे ना तुमने? हाँ। उन पे ध्यान रखो कि वो लोग वहां से आ तो नहीं रहे, बस दैट्स इट। ओके काजल, डन। माजी आपने जय को देखा है? बहुत बार देखा है, माँ हूँ ना मैं उसकी। हाँ माजी, लेकिन आपने जय को अभी देखा है क्या? वो फोन पे बात करते हुए गया और बोला कि 10 मिनट में आ जाएगा, लेकिन अभी तो बहुत टाइम हो गया है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी घड़ी खराब हो गई है। नहीं माजी, घड़ी तो ठीक है, लेकिन फिर भी टाइम तो बहुत हो गया है। जया, ये अगरबत्ती और घंटी लेके मैं पूरा घर घूम आई हूँ, मैंने जय को नहीं देखा। इसका मतलब ये है कि जय बाहर गया है। नहीं माजी, जय घर के बाहर जा ही नहीं सकता। क्यों, तुमने उसे घर बंदी बना लिया है? नहीं माजी वैसे नहीं, लेकिन वो बाहर नहीं जा सकता। जया, जय घर पर नहीं है, इसका मतलब है कि जय बाहर गया है। नहीं माजी, आप मेरी बात मानिए। नहीं जया, जय घर के बाहर से बहस हो रही है। तुम भी तो कुछ पूछो ना। हाँ, बहस क्यों कर रहे हो आप लोग? लो, ये तो मैंने पूछा, सेम क्यों पूछ रहे हो? खैर छोड़ो, क्या हुआ, बहस क्यों कर रहे हो आप लोग? कुछ नहीं, एक मिनट। किसे फोन लगा रही? जय को। हेलो। हाँ जय, तुम कहाँ पे हो? मैं बुद्रा बाहर आया हूँ, कुछ काम था वो अचानक याद आ गया मुझे। लेकिन अभी तो तुम फोन पे बात करते हुए गए थे ना? हाँ, फोन पर बात तो हो गई मेरी। मैं ना तुम्हारे लिए गजरा लेने
बाहर आया था वो क्या है ना जया, कल रात को ना तुम मेरे सपने में आई थी गजरा पहने हुए। अरे क्या बताऊं, बहुत खूबसूरत लग रही थी तुम। जय तुम झूठ बोल रहे हो। सच सच बताओ कि तुम कहां पे हो। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, दरवाजा खोलो देख लो मैं बाहर सामने खड़ा हूँ। जय झूठ बोलने की भी कोई हद होती है, इस वक्त तुम्हें मजाक सूझ रहा है। सच बताओ मुझे कहां पे हो तुम। मैं घर के बाहर हूँ, इसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या है। गलती से अमीर घर का दरवाजा खुला तो नहीं रह गया, शायद उसे शक हुआ होगा। एक काम करो, उर्मिला को फोन लगा दो। हेलो 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 हेलो। अब क्या हुआ भाभी, फोन कट हो गया। आप फिर से ट्राई करो ना। क्या हुआ लगा? एंगेज जा रहा है। शायद आप कोई ट्राई कर रहे होंगे, है ना? जय भैया घर के बाहर है? ऐसे कैसे हो सकता है, घर तो अंदर से बंद है ना, वो भी बड़े ताले की वजह से। जय भाई तो बाहर जा ही नहीं सकते, ये तो डॉन को पकड़ने जैसी बात हो गई। डॉन को पकड़ने जैसी मतलब? डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ओ अब समझ में आया, घर का दरवाजा अंदर से बंद है और मैं बाहर हूँ, इसीलिए जय इतनी परेशान हो रही है। मुझे लगता है कि जय भाई अपने कमरे में ही होंगे। मर गया। लेकिन माँ जी ने तो अभी कहा कि जय बाहर है। बाहर है इसलिए बोला क्योंकि मैं ऐसे थोड़ी ना बोल सकती थी, जय उस घर में गया है। उस घर में? किस घर में? रसोई घर में। रसोई घर में? उसी घर की बात कर रही थी मैं। आप दोनों क्या बोल रहे हो ना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं खुद जाके देखती हूँ तभी मेरे मन को तसल्ली मिलेगी। भाभी बेशरम लोग हैं आम। आपको मेरी ऑफिस से मैंने निकाला और आप फिर वापस आ गए, आपको शर्म जैसी कोई चीज नहीं है क्या? रोंगन जी, आप जैसे घटिया इंसान को सिर्फ इतना ही बताने के लिए आया हूँ, ये जो आपका ऑफिस है ना, ये एक महीने के अंदर मैं बंद करवा दूंगा। ये जो साम्राज्य खड़ा किया है झूठ फरेबी और मक्कारी से, वो एक महीने के अंदर मैं जला कर राख कर दूंगा। हसो हसो जितना हंसना है हसो, इसो साम्राज्य है ना, ये मिट्टी में मिल जाने के बाद भी ऐसे ही हंसना। क्या है ना लुंगनी जी, आप जैसे करीबन महीने में 2-3 लोग तो आते ही हैं जो इस तरह की धमकी देकर चले जाते हैं और मेरा माल भी बाका नहीं होता है। पूरी सरकार पीछे लगा दूंगा, दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा, ऐसे मार मारूंगा कि जिंदगी भर आप कभी अपने पैरों पर खड़े ही नहीं हो पाएंगे, ऐसे ही कुर्सी पर बैठे रहेंगे, कुर्सी को लिपट कर बैठे रहेंगे। अरे साम्राज्य खत्म हो जाएगा ना उसके बाद का ये भविष्य मैं देख रहा हूं। पूरी जिंदगी भर आप सिर्फ कुर्सी पर बैठे रहेंगे। कुर्सी से खड़े नहीं होंगे देख लो। अगर आज मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ था तो इनका शक कभी दूर नहीं होगा। अब क्या हो गया, बोलती बंद हो गई? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।